मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां सगी बहन ने अपने शादीशुदा बहन को 3 बच्चे के पिता से 51,000 रुपए लेकर बेच दिया। इस संबंध में महिला के पति ने केस दर्ज कराया है। पुलिस ने इस मामले की FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यह मामला मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र का है। यहाँ की एक विवाहित महिला का उसकी सगी बहन ने सौदा कर दिया। महिला के पति ने सकरा थाना इलाके में अपनी साली के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि बीते सप्ताह महिला की बहन ने उसे समस्तीपुर के आहर स्थित अपने घर बुलाया। समस्तीपुर में शादी के उद्देश्य से अपने गांव एक व्यक्ति से 51,000 रुपए लेकर सौदा कर दिया। जब कई दिनों तक महिला नहीं लौटी तो उसका पति अपनी साली के घर पहुंचा, वहां उसे उसके 6 माह के बच्चों को सौंप दिया और साली ने कहा कि उसकी पत्नी कहीं चली गई है। वहीं जब युवक ने गांव के लोग से बातचीत की तो पता चला कि महिला का गांव के ही एक व्यक्ति के हाथों 51,000 में सौदा कर दिया गया है। महिला ने अब उसके साथ शादी कर ली है। इसके बाद महिला का पति गांव के जनप्रतिनिधियों के साथ अपनी साली के यहां पहुंचा, लेकिन वहां मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद वह सकरा थाने पहुंचा और केस मामला दर्ज कराया। पुलिस से शिकायत में युवक ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी को देह व्यापार के उद्देश्य से बेचा गया है। वहीं इस मामले को लेकर थाना अध्यक्ष राजू कुमार पाल ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला प्रेम प्रसंग का लगता है। हालांकि यह महिला को बेचने की बात कही है तो इस मामले की जांच की जा रही है। मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि करीब 8 दिन पहले मेरी पंचायत के एक व्यक्ति की पत्नी को उसकी बहन ने समस्तीपुर बुलाया था। जब कुछ दिनों बाद युवक अपनी पत्नी को लाने गया तो उसकी साली ने बच्चा सौंप दिया और कहा कि तुम्हारी पत्नी कहीं गई है, मुझे नहीं पता है। इसके बाद जब हम लोग वहां गए तो पता चला कि उसकी साली ने अपने गांव में ही 3 बच्चों के पिता के साथ अपनी बहन का सौदा कर दिया है। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ यह हुआ है, मेरा पत्नी का बुला लिया हम लोग, बोला कि मतलब एक साड़ी है बाटा है। कौन बुलाया था? मेरा साली। साली जी। तो हुआ फिर दोबारा फोन किए सर आने के लिए, तो बोला कल जाएगा। कल फिर हो के फोन किए तो मेरे को हमको गाड़ी दिया। मतलब आपकी पत्नी अपनी बहन के यहाँ गई? हाँ। उसके बाद वहाँ से नहीं लौटी? नहीं लौटी। तो क्या कहा जा रहा है वहाँ पे? वहाँ पे बोला है कि एक दिन बोला कि बिहान जाएगा, फिर बिहान होके फ़ोन किए तो हमको गाली दिए। उसके बाद फ़ोन फिर किए तो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। कह रहे हैं कि उसको बेच दिया गया है। हाँ, बेच दिया गया है। कौन बेच दिया? मेरा साली। साली बेच दी? किसको बेच दी? मेरा पत्नी। कितने? कहाँ पे बेची? आहार में। आहार में ही जी। कितना में बेच दी? 51,000 में। कौन बोला कि उसको बेच दिया गया है? साली में। कोई बताया है कि उसको बेचा गया है? जी, आदमी से बोला है। वहाँ के लोग सब बता रहे हैं? आहार, समस्तीपुर आहार जी। अच्छा, तो वहाँ पे जो है वो बेचा गया है, शादी के लिए बेचा गया है जी। किस आदमी के यहाँ तो बेचा गया है? राजकुमार राय के। राजकुमार राय, उनसे शादी किया गया है जी। ये बात की जानकारी आपको पहले थी क्या? पहले बातचीत होती थी क्या उससे? नहीं, कुछ नहीं हो रहा था। आपसे पत्नी में झगड़ा उगड़ा भी होता था? कभी कभी तनी झोंकझा के नहीं हो जाता था। इधर झगड़ा नहीं हुआ था? नहीं, इधर नहीं हुआ था। तो बेचने की बात जो कहा जा रहा है, तो पत्नी आपसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की उसके बाद? नहीं की। पत्नी से मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं हो पाई। बच्चे कितने हैं आपके? एक है। कितने दिन का है? 6 महीने का। 6 महीने का बच्चा है। कितने दिन से पत्नी गायब है? 8 दिन हुआ। केस उस भी दर्ज किए हैं मामले को लेकर थाना में जी? थाना में किसके खिलाफ आवेदन दिए हैं? दोनों का। साली? साली का क्या नाम है? कल्पे गौड़ी। कौन गांव में उसका घर है? आहार गांव में। आहार में। आपका ससुराल कहाँ है? महावलपुर। अच्छा,
मुखिया जी, आपके पंचायत से एक महिला को ले जाकर सौदा कर देने की बात सामने आई है। करीब 8 रोज पूर्व हमारे पंचायत के ही मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव के एक आदमी की पत्नी को उसकी बहन बुला ली आहार थाना ताजपुर जिला समस्तीपुर में, और उसके बाद 3-4 रोज के बाद यह गया वहाँ तो 6 माह का बच्चा को दे दिया। बोला जो पत्नी तुम्हारी कहाँ गई वो मुझे नहीं पता। फिर कल हम लोग गए हैं वहाँ तो वहाँ पता हुआ है जो उसी गांव में जो 3 बच्चे के बाप के साथ शादी थी। हाँ, कहने सुनने में ये आ रहा है कि उसको खरीद लिया गया है, मतलब पैसा देकर महिला। हाँ, अभी तो मतलब यही है, अब सच्चाई क्या है। तो ये साली नहीं, इस व्यक्ति की साली नहीं सौदा कर दिया, अपनी बहन का ही सौदा कर दिया। साली नहीं कर दिया। उस जो व्यक्ति है, जो महिला गई है, उसके कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है 6 माह का, 6 महीना का बच्चा है। कौन से गांव के व्यक्ति हैं? मोहम्मदपुर बुजुर्ग के रहने वाले हैं। इस मामले में थाने में भी आवेदन दिया गया जी, कल दिया गया है थाने में आवेदन। ठीक है, अपना परिचय बता दीजिए। मैं मनोज कुमार, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राजरामपुर। एक महिला की बेचने का मामला सामने आया है। खतरा थाना क्षेत्र के एक युवक का आवेदन प्राप्त हुआ कल देर शाम, हम लोग उस पर जांच किए हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है, हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके सुसंगत धाराओं में अब तक कार्रवाई कर रहे हैं। महिला को बेचने का भी आरोप लग रहा है कि उसकी बहन ने ही उसको बेच दिया अपने घर बुलाकर। अब ये तो अनुसंधान के बाद पता चलेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। कहा जा रहा है कि मतलब बहन ने उसको 51,000 में बेचा है, आवेदन ऐसा ही कुछ मिला है। अभी हम लोग जाँच करें। ठीक है।